हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। आज हम लोग नीट 2016 का फेज वन का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4NH3 एंड H2O, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब चार स्टेटमेंट है और चारों स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड एंगल के रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, CH4NH3 एंड वाटर। अगर इस तीनों मॉलिक्यूल में देखें तो तीनों में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कार्बन का, सेंट्रल एटम है इसका, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसका भी sp3 है, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब इसमें कार्बन के साथ बॉन्ड पेयर चार है और लोन पेयर इसमें नहीं है। इसमें बॉन्ड पेयर तीन हाइड्रोजन है, तीन होगा और एक लोन पेयर होगा। इसमें बॉन्ड पेयर दो हाइड्रोजन है, लोन पेयर भी दो होगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स हैं, चार इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दो लोन पेयर। इसमें दो इलेक्ट्रॉन बचा मतलब एक लोन पेयर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग नहीं बचा है। अब हमें पता है VSEPR थ्योरी से लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। तो इसमें सिर्फ चार बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर के कारण कोई रिपल्सन नहीं होगा, मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। और 3D में इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और बॉन्ड एंगल होता है 109°28′। अमोनिया में देखें तो नाइट्रोजन के साथ तीन बॉन्ड पेयर है, इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, और एक लोन पेयर। टोटल तो चार हैं, लेकिन इस तरह से इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा और तीन बॉन्ड पेयर आ जाएगा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, तो ये इसे ज़्यादा रिपेल करेगा, इसीलिए एंगल क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो छोटा होगा, ये लगभग 107° के आसपास होता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। फिर वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल इससे भी छोटा होगा और 107 से भी छोटा होगा, 104.5° होता है, ठीक है। तो हम लोग सारे ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा सही है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 कितना है, 109°28′। द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 कितना है, 107°, ठीक है। एंड HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर कितना है, 104°5′। ऑल आर ग्रेटर देन 90, एकदम सही है। लेकिन हमें क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो ये सही है, एकदम सही है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है HOH बॉन्ड एंगल इन H2O कितना है, 104°5′। एंड इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये 104° आया था, ये 109°, ये क्या है, छोटा है, लार्जर नहीं है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है, गलत है, इसीलिए हमें यही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ही सेलेक्ट करना था, इसीलिए ऑप्शन टू करेक्ट होगा। फिर भी 3 और 4 को चेक कर लेते हैं। 3 में क्या है, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन NH3, तो एकदम स्मॉलर ही है, 104 है, ये 107 है, ठीक है। फोर्थ है HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन HNH बॉन्ड एंगल इन NH3, एकदम सही है, ये इससे बड़ा है, इसलिए हमारा ऑप्शन टू करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है इन द रिएक्शन गिवन है हमें एसिटिलीन के लिए, और पूछा है X एंड Y, जो X और Y प्रोडक्ट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एसिटिलीन गिवन है, इथाइन का रिएक्शन सबसे पहले करवाएं, फर्स्ट टाइप NaNH2 in NH3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, मतलब ये क्या है, बेसिक है। और इथाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp है, मतलब s करेक्टर क्या है, 50% है। और जब s करेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एटम का ज़्यादा होगा तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब इथाइन क्या है, एसिडिक है, और जब इसका NH2- से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो ये H+ क्या होगा, H+ यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ माइनस आएगा, और ये H+ NH2- के साथ NH3 बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, HC CCC पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये Na+ के साथ एसिटिलाइड आयन के साथ सोडियम एसिटिलाइड बना लेगा, ठीक है। अब इसमें सेकेंड स्टेप में दिया हुआ है, इसी में सेकेंड स्टेप में इसको करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3CH2Br के साथ। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, CH3
सॉरी सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमाइड आयन यहाँ से बाहर निकलेगा और ये NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये अल्काइन इस तरह से बन जाएगा CH2CH3। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बन जाएगा 1, 2, 3, 4 ब्यूट वन आयन, मतलब X क्या है हमारे ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ है 1-butyne। अब नेक्स्ट में क्या किया है, X को रिएक्शन फिर से कर दिया है NaNH2 के साथ, NaNH2 इन NH3। अब फिर से NaNH2 क्या है, बेस है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, लोन पेयर कारण ये क्या है, बेस है। अब यहाँ पे फिर से ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड के कारण है साथ है, तो मोर एसिडिक कौन होगा, ये हाइड्रोजन। तो फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, मतलब NH3 बना लेगा और निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा CCH2CH3। फिर से सेकेंड में इसमें क्या किया गया है, CH3CH2Br डाला है, CH3CH2Br। फिर से ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और Br माइनस बाहर निकल के ये इसके साथ क्या हुआ था, Na बना लिया था, Br माइनस बाहर होके NaBr बना लेगा, ठीक है, और NaBr बना लेगा और ये इसके साथ इस तरह से बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 और ये इस कार्बन के साथ CH2CH3। अब यहाँ से इसका नाम हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कितना हो गया, 3-hexyne, मतलब Y हो गया हमारा 3-hexyne। तो हमें यही कैलकुलेट करना था X और Y। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, X और Y, X 1-butyne और Y 3-hexyne हमारे ऑप्शन में है या नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है X 1-butyne एंड Y 3-hexyne, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, और हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सीएसिड्स गिवन है, क्या क्या है, HClO3, HClO4, HClO2 एंड HClO, ये सारे ऑक्सीएसिड्स ऑफ क्लोरीन के हैं। हमें पता है ऑक्सीएसिड्स अगर सेम एटम का है तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, इसीलिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, और H+ आसानी से निकलता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5, यहाँ पर हो जाएगा +7, यहाँ पे हो जाएगा 4+3 और यहाँ पे है +1-2+1, यहाँ +3+5+7। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा HClO4 और सबसे कम होगा HClO इन सारे में, फिर हो जाएगा HClO2, फिर हो जाएगा HClO3 एंड देन HClO4। अब हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऐसा ऑप्शन 2 है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, हाफ लाइफ टाइम हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें 10 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन गिवेन है, कितना है रेट ऑफ रिएक्शन, 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड 20 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आर, इसको आर डैश मान लेते हैं, 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड गिवेन है, ठीक है। हमें हाफ लाइफ निकालना है टी हाफ, तो टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के। तो अगर हम लोग के कैलकुलेट कर लें तो हम हाफ लाइफ टाइम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो K निकालने के लिए फॉर्मूला है 2.303 बाय T फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लॉग बेस 10 A नॉट बाय A, ठीक है, A नॉट अपॉन A। अब हमारे पास A नॉट क्वेश्चन में गिवन नहीं है और A दो बार दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो ये 10 सेकेंड पे है, ये जो डाटा 10 सेकेंड पे गिवन है, इसे हम लोग इनिशियल मान लेते हैं, मतलब 10 सेकेंड वाला हम लोग मान लेते हैं रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब
10 से 20 सेकेंड, मतलब अगर 10 सेकेंड रिएक्शन हुआ तो इसका कंसेंट्रेशन हो गया 0.03। तो ये वाला हम मान लेते हैं ए और टाइम मान लेते हैं 10 सेकेंड, मतलब एक्चुअली में रिएक्शन तो कुछ और से स्टार्ट हुआ, 10 सेकेंड के बाद ये हुआ और 20 सेकेंड के बाद ये हुआ, और हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इनिशियली मान लेते हैं यहीं से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब 10 सेकेंड को 0 मान लिया हमने, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने मान लिया ए नॉट क्या होगा 0.04 मोल पर लीटर होगा, और टाइम इसको 0 मान लिया, मतलब 10 सेकेंड के बाद इसका कंसेंट्रेशन 0.03 हो जाएगा। 10 सेकेंड के बाद इसका कंसेंट्रेशन 0.03 हो जाएगा। तो यहाँ से के कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.303 अपॉन, अब इसको 10 से 20, तो 10 हमको हमने 0 लिया है, तो यहाँ तक आने में अब कितना सेकंड लगा, 10 से 20 आने में 10 सेकंड लगा, तो अपॉन 10, ठीक है, लॉग बेस 10, ए नॉट का वैल्यू हो जाएगा, हमने इसको लिया है 0.04 डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा 0.03, ये हमारा के का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10, पॉइंट दोनों में 100 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0. ये हो जाएगा 2303 लॉग बेस 10 लॉग m बाय n, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग बेस 10 4 माइनस लॉग बेस 10 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0.2303 लॉग 4 का वैल्यू हो गया 0.6020 माइनस 0.4771। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.028, तो ये k का वैल्यू आ जाएगा। अब हमें टी हाफ निकालना है, तो के का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और के का यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो पर सेकंड। अब इसका के का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो टी हाफ आ जाएगा 0.693 अपॉन 0.028। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24.1 सेकंड। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अब 24.1 सेकंड फर्स्ट हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विथ एडजॉर्प्शन। हमारे पास डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में पूछा है। एडजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन हो रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट डेल्टा एच, एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0, क्योंकि केमिस्ट्री में जब एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो हम लोग उसे निगेटिव लेते हैं। अब तीसरा है डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, और जब एडजॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है, मतलब रेंडमनेस घटेगा, मतलब एंट्रोपी घटेगा, इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, लेस देन 0। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन है डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल आर नेगेटिव, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विथ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है, अगेंस्ट इट। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा Al3+, Mg2+, Na+ एंड F-, और क्या ऑर्डर है इसका, इंक्रीजिंग साइज, आयनिक साइज। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम फ्लोरीन, एल्यूमिनियम 3+ है, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, F-, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस में अगर जेड अपॉन ई ज़्यादा होता है तो साइज छोटा होता है, तो हम लोग जेड अपॉन ई देखते हैं, तो जेड अपॉन ई इसका क्या होगा, 13/10, इसका होगा 12/10, इसका होगा 11/10, इसका होगा 9/10, जेड अपॉन ई का रेशियो। ठीक है, तो जेड अपॉन ई बढ़ने से क्या होता है, साइज घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज घटेगा, तो सबसे ज़्यादा जेड अपॉन ई एल्युमिनियम का है, सबसे छोटा होगा, और ये ऑर्डर देखें तो एकदम करेक्ट है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें जो गलत है वो निकालना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑर्डर किस चीज़ का है, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी। तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी हम लोग देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, उसके अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
और अगर हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, लास्ट में 2s2 2p3 होगा, मतलब p में तीन इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। p में तीन है, एक एक तीनों ऑर्बिटल में होगा, मतलब p सबसेल क्या है, हाफ फिल्ड है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाफ फिल्ड और मोर फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। अब इससे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का अगर चेक करें 2s2 2p4 होगा, मतलब 2p में चार इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक जाएगा फिर इसकी पेयरिंग होगी, मतलब ये ना तो हाफ फिल्ड है और ना ही फुल फिल्ड है, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, इसीलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए नाइट्रोजन की फर्स्ट एडिशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, तो हमारा ये ऑर्डर गलत है, इसीलिए ऑप्शन 2 जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 को चेक करते हैं, ऑप्शन 3 क्या है, है आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखें तो ऊपर से नीचे आने में क्या होती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन घटेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घट जाएगी, तो ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करती है, इसीलिए ये सही होना चाहिए। लेकिन ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे, ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, वो क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा, ज़्यादा रिपल्सन फील करने के कारण क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से घट जाता है, लेकिन ये ऑर्डर सेम पहले वाला दिया है, इसीलिए ये क्या होगा, गलत होगा और हमारा ऑप्शन ये भी करेक्ट होगा। वैसे सिंगल ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें दो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग ऑप्शन 4 को चेक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन है लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम ग्रुप 1 का है, इसमें है इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, रेडियस जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि न्यू एनर्जी सेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये एकदम करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फर्स्ट हमें गलत ही ढूंढना है, तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन एकदम थियोरेटिकल है, तो जिसे अगर याद होगा सारे ऑप्शंस के बारे में तो वही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्ट मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है Mg2+ आयंस फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ ATP, एकदम सही बात है। सेकंड है Ca2+ आयंस आर इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लोटिंग, एकदम ब्लड क्लोटिंग में Ca2+ की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी सही है। थर्ड है Ca2+ आयंस नॉट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ हर्ट, नॉट मेंटेनिंग, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें नॉट लिखा है, इसलिए ये गलत होगा और हमें गलत ही ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। फोर्थ देखते हैं Mg2+ आर इम्पॉर्टेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये भी हमारा सही होगा, तो ऑप्शन 3 रॉन्ग है, इसलिए ये करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, इसमें भी फिर गलत ही ढूंढना है, ठीक है कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, एकदम सही है। ऑफ विच ट्रिटियम इज मोस्ट कॉमन, एकदम गलत है, फर्स्ट पार्ट तो सही है, सेकेंड पार्ट गलत है। मोस्ट कॉमन आइसोटॉप जो है प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम 1-1, ड्यूटेरियम 1-2 एंड ट्रिटियम 1-3, इसको पी से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डी से टी से। तो मोस्ट कॉमन जो हाइड्रोजन है वो H11 होता है, जिसे हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, और ये ट्रिटियम के लिए बोला है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज केटायन इन आयनिक सॉल्ट, सही है। जब आयनिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है तो मेटल के साथ होता है, और मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, कोई भी मेटल हो तो इस पे प्लस होगा, तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, माइनस होगा, तो ये एकदम सही बात है, कभी भी केटायन नहीं फॉर्म करेगा, ये एनायन का फॉर्म करेगा हाइड्रोजन, जब ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, तो सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। थर्ड है हाइड्रोनियम आयन H3O+ फ्रीली एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, सही बात है, H3O+ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, H+ आयन वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रेटेड होके H3O+ बना लेता है, ये भी करेक्ट है, तो हमारा इनकरेक्ट ढूंढना है, इसी ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन 4 देखते हैं, डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, गलत बात है ये, जो फोर्थ है 3 हमारा करेक्ट था, ये इसलिए आंसर नहीं था, फोर्थ था H2 बोला हुआ है, डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट,
ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है, ये बोला है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो H2 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, H2 जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन बनाता है, और जब ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन ये बोला है नहीं हो सकता है, मतलब ये भी इनकरेक्ट होगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर होगा। तो वन और फोर इसमें दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनाइल कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन एज। कार्बोनाइल मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें अल्फा पोजिशन पे क्या है? हाइड्रोजन है, चलो दोनों तरफ है, यही कंपाउंड के बारे में बोला जा रहा है। तो चेक करते हैं अब ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन में हमें क्या करना है? करेक्ट ढूंढना है, देख ठीक है, इसमें इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रिएट विथ इट्स कोरेस्पॉन्डिंग इनॉल, एकदम गलत है। ये रूम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में होता है, इसे हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं, और इसका जो दूसरा इक्विलिब्रियम में ही आ जाता है, ये इनॉल बना लेता है, सी एस टू डबल बॉन्ड सी ओ एच सी एस थ्री, इसको बोलते हैं हम लोग इनॉल, यही कीटो इनॉल टोटोमेरिजम है, कीटो इनॉल टोटोमेरिजम या आइसोमेरिजम इसे बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, ए कार्बोनाइल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट विथ इट्स कोरेस्पॉन्डिंग इनॉल, सही बात है, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। नहीं, पहला तो ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं, इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिजम या टोटोमेरिजम बोलते हैं, तो ये भी गलत है। थर्ड है, ए कार्बोनाइल कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट विथ इट्स कोरेस्पॉन्डिंग इनॉल, सही है, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कार्बोलेशन, ये भी गलत है, ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है, तो तीसरा भी गलत है। फोर्थ देखते हैं, एक कार्बोनाइल कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट विथ इट्स कोरेस्पॉन्डिंग इनॉल एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन फोर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम वाई एंड एन वाई थ्री टू नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट, दो सॉल्ट दिए हुए हैं, हैव द सेम के एस पी, दोनों का के एस पी वैल्यू सेम है, ऑफ 6.2 × 10⁻¹३, दोनों का के एस पी दिया हुआ सेम है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, विच स्टेटमेंट वुड बी ट्रू रिगार्ड टू एम वाई एंड एन वाई थ्री, ठीक है, के एस पी का वैल्यू दोनों के केस में कितना गिवेन है, के एस पी गिवेन है 6.2 × 10⁻¹३। अब तो फर्स्ट ऑप्शन है, मोलर सोलिबिलिटी एम वाई एंड एन वाई थ्री इन वाटर आर आइडेंटिकल, दूसरा ऑप्शन है, मोलर सोलिबिलिटी एम वाई इन वाटर इज लेस देन एन वाई थ्री, मतलब मोलर सोलिबिलिटी के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो चेक कर लेते हैं के एस पी का वैल्यू। तो पहला है एम वाई, तो एम वाई किस तरह से डिसोसिएट होगा, एम प्लस और वाई माइनस, मतलब ये अगर एस जीरो जीरो तो ये जीरो, एस एस मतलब के एस पी हो जाएगा एस स्क्वायर, तो सॉलिबिलिटी इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट के एस पी, तो स्क्वायर रूट 6.2 × 10⁻¹३, तो इसे करें तो ये आ जाएगा रूट 62 कर देते हैं, इसे 14 कर देते हैं, तो 10⁻¹⁷ हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, दैट इज मोलर। दूसरा है हमारा एन वाई थ्री, एन वाई थ्री को चेक करें तो इस तरह से होगा एन थ्री प्लस हो जाएगा और थ्री वाई माइनस हो जाएगा, मतलब एस तो जीरो जीरो, तो जब ये जीरो होगा तो ये एस और ये थ्री एस हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, के एस पी इसका हो जाएगा एस इंटू थ्री एस का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 27 × 10⁴, तो के एस पी का वैल्यू पता है हमें, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा 27 के एस पी अपॉन 27, ये हो जाएगा एन वाई थ्री है ना, एन वाई थ्री सॉरी ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, तो के एस पी का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 6.2 × 10⁻¹³ / 27, ठीक है। अब पावर फोर है तो फोर से डिवाइड करेंगे, तो इसे 12 कर लेते हैं, 12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 62 / 27 आ जाएगा, 1/4 × 10⁻¹² ये 12 हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे -4, मतलब इसका मोलर सॉलिबिलिटी एन वाई थ्री का क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एम वाई इन वाटर इज लेस देन एन वाई थ्री, एम वाई इन वाटर इज लेस देन एन वाई थ्री,
तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये क्या है छोटा है इससे, तो मतलब ऑप्शन टू करेक्ट होगा। फिर भी ऑप्शन थ्री और फोर को चेक करते हैं। ऑप्शन थ्री है द सॉल्ट्स एम वाई एंड एन वाई थ्री आर मोर सोल्यूबल इन 0.5 मोलर के वाई देन इन प्योर वाटर। तो एम वाई एन वाई थ्री में मोर सोल्यूबल 0.5 मोलर के वाई में डालेंगे तो इसमें क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा और सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, द एडिशन ऑफ सॉल्ट के वाई टू सोल्यूशन ऑफ एम वाई एंड एन वाई थ्री विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सोल्यूबिलिटी, ये भी गलत है, इफेक्ट होगा, डिक्रीज कर रहा था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, हमारा ऑप्शन टू ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस एमिनो एसिड एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। प्रोटीन में एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, इस तरह से होता है CONH, इस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो चेक करें ऑप्शन में पेप्टाइड बॉन्ड है कोई, पेप्टाइड बॉन्ड हाँ ऑप्शन थ्री में पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए ऑप्शन थ्री ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर हैज। तो नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन का सिस पॉलीमर होता है। आइसोप्रीन हमारा होता है CH2 डबल बॉन्ड सी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका पॉलीमर बनाएंगे तो इसका क्या होता है, सिस पॉलीमर होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल रबर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, ऑल सिस कन्फिग्रेशन, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड है ऑल ट्रांस कन्फिग्रेशन, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सिस कन्फिग्रेशन होता है। उसके बाद थर्ड है अल्टरनेट सिस एंट्रांस, ये भी गलत है, एंड है रैंडम सिस एंट्रांस, ये भी गलत है। तो सारे इसमें क्या होता है, सिस कन्फिग्रेशन होता है। कैसे होता है, जब इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, एक फ्री बॉन्ड यहाँ होता है CH2 और ये हो गया सी, ये CH, ये CH3 है और ये CH2, ये जुड़ता है। अब क्या होता है, इसके साथ एक फ्री बॉन्ड, मतलब ये फ्री बॉन्ड इसके साथ हो गया, एक फ्री बॉन्ड इसके साथ बचेगा और एक फ्री बॉन्ड इसके साथ बचेगा। इस कार्बन के साथ एक बचा, एक इसके साथ बचा, ये क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। और डबल बॉन्ड के साथ ये इस तरह से रीअरेंज हो जाता है, CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 इधर CH2, और ये कन्फिग्रेशन क्या होता है, सिस कन्फिग्रेशन होता है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच आइटम्स ऑफ कॉलम वन, ये जो कॉलम वन है, विथ आइटम्स ऑफ कॉलम टू, दूसरा कॉलम है, एंड असाइन द करेक्ट कोड। हमारे पास कोड दिए हुए हैं, उसे असाइन करना है, ठीक है। तो कॉलम वन में फर्स्ट है साइनाइड प्रोसेस और कॉलम टू में अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम। साइनाइड प्रोसेस से जर्मेनियम का कुछ नहीं होता है, ZnS का भी कुछ नहीं होता है, एल्यूमिनियम का नहीं होता है। एल्यूमिनियम में हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम में NaOH यूज करते हैं, साइनाइड यूज करते हैं हम लोग गोल्ड और सिल्वर में, मार्क आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस के लिए। और एल्युमिनियम में हम लोग बेयर्स मेथड यूज करते हैं NaOH के साथ, लीचिंग जो करते हैं, दोनों है लीचिंग ही, लेकिन साइनाइड यूज करते हैं हम लोग गोल्ड और सिल्वर में, और एल्युमिनियम में यूज करते हैं NaOH। तो ये किसके लिए होगा, गोल्ड के लिए होगा। तो फर्स्ट का हमारा गोल्ड आ रहा है फोर्थ, फर्स्ट का क्या होगा, फोर्थ करेक्ट होगा, ए का फोर होगा। अब बी का चेक करें, फोर्थ फ्लोटेशन, तो फोर्थ फ्लोटेशन हम लोग करते हैं कंसंट्रेशन ड्रेसिंग किसका करते हैं, सल्फाइड ओर का। तो सल्फाइड वाला कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ है, ड्रेसिंग ऑफ ZnS, मतलब बी का होगा सेकंड, ठीक है। अब सी में चेक करते हैं, सी में क्या है, सी में है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम लोग किसके लिए करते हैं, एल्युमिनियम के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम का कार्बन रिडक्शन से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम थर्ड ऑप्शन है, तो सी का थर्ड होगा। एंड लास्ट डी का चेक करते हैं, डी में क्या है, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग हम लोग करते हैं सेमीकंडक्टर के प्योरीफिकेशन के लिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, मतलब प्योरीफिकेशन ऑफ जर्मेनियम के लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट होगा, और ये कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अगर चेक करें तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। K2Cr2O7 सॉल्यूशन से SO2 पास कर रहे हैं, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में है, इसमें SO2 पास कर रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में Cr3+ में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एसिडिफाइड है, तो मान लिया एक सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ले लिए, तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्लस 3 में, तो Cr2SO4 होल थ्राइस बना लेगा,
पोटासियम K2SO4 बना लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, हम लोग अगर ऑप्शन चेक करें Cr2SO4 होल थ्राइस वाला ऑप्शन फोर्थ दिख रहा है, और इसका अगर हम लोग कलर देखें तो इसका कलर होता है ग्रीन, मतलब SO2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड बनेगा ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट देगा, जो कि हमारा ऑप्शन फोर है, ग्रीन Cr2SO4 होल थ्राइस इज फॉर्म्ड, इसीलिए ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा। लेकिन फिर सॉरी ऑप्शन फोर है ये, तो हमारा ऑप्शन फोर करेक्ट होगा। लेकिन और भी बाकी के तीनों ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन है द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, इसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का नहीं होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो फर्स्ट तो गलत होगा। सेकंड है सॉल्यूशन इज डीकलराइज, नहीं डीकलराइज नहीं है, ग्रीन कलर आएगा, कलरलेस नहीं होगा, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड है SO2 इज रिड्यूस्ड, SO2 रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो फर्स्ट वाला तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, और ऑप्शन फोर ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, हमारे पास एलिमेंट्स है EU और इसका एटॉमिक नंबर गिवन है हमारे पास 63, और दूसरा है GD, इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 64, एंड तीसरा है TB, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 65, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये सारे 4F सीरीज का है, मतलब 4F में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा, तो हमारे चारों ऑप्शन जो है सब में 4F ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब चारों ऑप्शन में इससे हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो एफ सीरीज के एलिमेंट हैं, मतलब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसमें जो है ऑब्बो रूल से कुछ वेरिएशन होता है कुछ एलिमेंट्स में, तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो तीन एलिमेंट्स हैं CE, GD एंड LU। तो इसमें से देखें इस तीनों में से एक एलिमेंट आ रहा है GD, इस तीनों में क्या वेरिएशन होता है, इसमें D1 आता है और बाकी किसी में D1 नहीं आते हैं। जो 4F सीरीज के एलिमेंट हैं किसी में D1 नहीं आएगा एक्सेप्ट दीज थ्री, तो इसमें क्या आता है, D1 आता है। तो देखते हैं EU का नियरेस्ट गैस देखें, इनर्ट गैस, तो जेनन आएगा और जेनन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, तो 54 तो हो गया, अब 9 बचा, तो इसका क्या हो जाएगा 6s2, 5d तो 0 ही रखेंगे, 4f क्या हो जाएगा 9 बचा हुआ है तो 7। अब GD आएगा तो GD का अगर देखें तो GD के लिए इनर्ट नियरेस्ट हो जाएगा जेनन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 10 और चाहिए, तो 6s2 और GD में हमने बोला था CE, GD एंड LU, इसमें क्या होता है D1 होता है, तो D1 आएगा, देन 4f क्या हो जाएगा 7। और TB देखें इसका भी नियरेस्ट होगा जेनन, इसके बाद 65 है तो जेनन का 54 होता है, तो 11 बच गया, इसमें भी D1 नहीं होगा, तो होगा 6s2, 5D में 0 ही रहेगा, 4F हो जाएगा 9। अब इसका देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, ऑर्बिटल सेम है मतलब n का वैल्यू सेम, सॉरी ऑर्बिटल क्या है m का वैल्यू सेम है, m सेम है तो l भी क्या होगा सेम होगा, और l सेम है तो n भी सेम होगा, मतलब ये तीनों क्या होगा सेम होगा, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, मतलब m का वैल्यू सेम है मतलब ये ऑर्बिटल फिक्स हो गया, जैसे m का वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी बोल दिया, तो m का वैल्यू कहाँ से आता है, -L2+L, मतलब l तो उसके लिए सेम ही रहेगा, n का वैल्यू, l का वैल्यू कहाँ से आता है 0 to n-1, मतलब l का वैल्यू कोई एक फिक्स होगा, तो n l m तो सेम ही होगा, डिफरेंट क्या होगा उसका s का वैल्यू होगा, s का वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है, मतलब s डिफरेंट होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग 2p ले लेते हैं, 2p तो 2p में ये m है -1, 0, 1, अगर 0 की बात करें तो इसमें n का वैल्यू 2 ही रहेगा, L का वैल्यू 1 ही रहेगा, M का वैल्यू 0 ही रहेगा, ये तीनों सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ होगा, तो ये किससे डिस्टिंग्विश होता है स्पिन क्वांटम नंबर से, S के वैल्यू से डिफरेंशिएट होता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा ऑप्शन होगा, देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 इट प्रोड्यूसेस, अब कॉपर को हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, अब रिएक्टिविटी सीरीज से देखें तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा,
तो और HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस होगा। तो जब कंसनट्रेटेड लेते हैं तो HNO3 रिड्यूस हो जाता है कॉपर के साथ NO2 में, और जब ये हम डाइल्यूट लेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा NO में। अब इस यहाँ पे किस में रिड्यूस होगा, NO2 में, क्योंकि कंसनट्रेटेड लिए हैं और डाइल्यूट में होता है NO में, तो हमारा कंसनट्रेटेड है इसीलिए NO2 होगा और ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट में। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऐसा है कोई ऑप्शन मेरा, तो ऑप्शन वन कॉपर नाइट्रेट एंड NO2, यही हमारा आंसर सही होगा। इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो H2O बना लेगा, तो देयरफॉर ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल डिस्टिंग्विश साइक्लोपेंटा 1,2-diol फ्रॉम ट्रांस आइसोमर। मतलब हमारे पास है साइक्लोपेंटा 1,2-diol, एक सिस है, तो ये मान लिया सिस, मतलब दोनों एक सेम साइड होगा, और एक ट्रांस है। ये अगर बाहर के साइड होगा तो दूसरा अंदर के साइड होगा, तो ये हमारा सिस है और दूसरा ट्रांस है। तो जब हम लोग इसमें एसीटोन डालें, तो एसीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री सी एस थ्री, तो अल्कोहल के साथ ये क्या है, ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल क्या करता है, एसीटोन के साथ साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करता है। अब ये सिस से दोनों एक सेम साइड है इसलिए साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये क्या है, एक सेम साइड ये दोनों OH नहीं है, एक अगर बाहर है तो दूसरा अंदर के साइड है, इसीलिए साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। वन साइक्लिक सिस वाला साइक्लिक कीटल बनाएगा, ट्रांस वाला साइक्लिक कीटल नहीं बनाएगा, इसीलिए एसीटोन से हम लोग सिस और ट्रांस जो है साइक्लोपेंटा 1,2-diol को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमें पता है डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, देयरफॉर डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है, टेम्परेचर क्या बोला है, किसी भी टेम्परेचर पे हो, मतलब टेम्परेचर को हमें कंसीडर नहीं करना है और इसे नेगेटिव करना है, तो इसे क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, और ये माइनस लगा हुआ है इसीलिए डेल्टा एस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। तो अब हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच जीरो, ऐसा नहीं होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एच लेस देन जीरो, ये भी नहीं होगा, डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, ये आ गया, इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए, एंड दस ऑप्शन थ्री विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, लिथियम का बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, इट्स डेंसिटी इज 530 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, इट्स एंड इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल, एटॉमिक मास ग्राम पर मोल में गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट एज लेंथ ए। अब बीसीसी है तो जेड का वैल्यू, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, 8 × 1/8 प्लस एक सेंटर में होता है 1 × 1, मतलब ये हो गया 2, जेड का वैल्यू 2 होगा, डेंसिटी हमें गिवेन है कितना है 530 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसे अगर हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर एमएल में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.530 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये दिया हुआ 6.94 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, जेड इंटू एम बाय एन ए एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, ये एवोगैड्रो नंबर हम लोग तब लगाएंगे जब ये ग्राम पर मोल में गिवेन होगा, अगर ग्राम पर एटम दैट इज ए एम यू में होगा तो हम लोग एन ए नहीं लगाएंगे, ये पर मोल है इसलिए एन ए से डिवाइड किया, क्योंकि एक मोल का है तो एक एटम, हमने ये जेड एक एटम के लिए रखा है इसीलिए एन ए से डिवाइड किया। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 2 इंटू एम का वैल्यू दिया हुआ है 6.94 डिवाइडेड बाय एन ए एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23 इंटू ए क्यूब। ठीक है, अब डेंसिटी का भी वैल्यू पुट दिया हुआ है हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये भी पुट कर देते हैं 0.530।
अब यहाँ से ए क्यूब अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ए क्यूब ये इधर आएगा, तो ये इधर आ जाएगा 2 × 6.94 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6.023 × 10⁻², ये डिवाइडेड में हो जाएगा 0.530। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इसे सॉल्व करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं इसमें। इसको सॉल्व करें तो ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये 6.02 है, ये 6.94 है, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब ये 2 से इसे डिवाइड करें तो ये 4 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 0.53 है, ये 4 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये 1 से थोड़ा कम आएगा, तो ये लगभग 4 के आसपास आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²-23। ये हमने सेंटीमीटर में रखा है, इसीलिए इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें ए का वैल्यू निकालना है, एज लेंथ निकालना है। तो एज लेंथ क्या है, ए, तो ए क्या होगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा हमें 4 × 10⁻²-23 का। तो 4 का क्यूब रूट मुश्किल होगा, 23 का निकालें तो 40, इसको इसे कर लेते हैं 24 कर देते हैं, तो फिर ये -8 आ जाएगा 1/3, तो ये आ गया इस क्यूब रूट 40, और ये आ जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो इसे ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन जो हमारा पिकोमीटर में दे रखा है, तो पिकोमीटर में करने के लिए क्या करना होता है हमें, -12 करना पड़ता है। तो -12 करेंगे या 14 का क्यूब रूट निकालना है। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट 40 का क्यूब रूट कैसे होगा, 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 27 आता है, मतलब 27 से ज़्यादा है। अगर 4 का करेंगे तो 64 आ जाएगा, मतलब 3 और 4 के बीच वाला कोई आएगा, तो 3 point something आएगा × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब हमारा ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन पिकोमीटर में दिया है, तो ये -10 करना पड़ेगा, तो 3.5 इंटू क्या करना पड़ेगा, 10⁻²× 10⁻¹० करें तो ये हो जाएगा पिकोमीटर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करें, 10⁻², मतलब 350 something आएगा, तो 350 वाला ऑप्शन चेक करें तो इसके आसपास वाला ऑप्शन 2 ही सही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हेलोजन मॉलिक्यूल मतलब F2Cl2Br2I2। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जनरली क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, मतलब सबसे कम होना चाहिए आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन के साइज छोटे हैं और फ्लोरीन के पास क्या होगा, FF के पास 3-3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों फ्लोरीन के पास, तो लोन पेयर में क्या हो जाएगा, रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाता है, बहुत घट जाता है, और क्लोरीन और ब्रोमीन से भी क्या हो जाता है, घट जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा क्लोरीन का, फिर हो जाएगा ब्रोमीन का, फिर होगा फ्लोरीन का, देन आयोडीन का, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी घट जाता है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन 2 इसी तरह से है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है एंड आयोडीन है, देयरफॉर ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। फर्स्ट ऑप्शन है नोवेलजीन, दूसरा है पेनिसिलिन, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड चौथा है क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, इसमें चारों में से नोवेलजीन को हम लोग एज एन एनाल्जेसिक यूज करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स जो है इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, विथ ए पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप, एक होल है जिससे दोनों निकल रहा है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप, मतलब टाइम दोनों का सेम रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो सेम टाइम में, बोल रहा है अगर ये आधा निकल जाए जिस टाइम में, उस टाइम में ऑक्सीजन कितना किस फ्रैक्शन से निकलेगा, इसका फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन किस फ्रैक्शन से रिमूव होगा, 1/2, 1/8, 1/16 किस फ्रैक्शन से रिमूव होगा। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हमें पता है
रेट अगर कैलकुलेट करें RH2 अपॉन RO2, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग कांस्टेंट ही रखेंगे, तो ये इक्वल हो जाता है स्क्वायर रूट MO2 अपॉन MH2। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास इसका 32 और इसका 2, तो 16, रूट 16 हो गया 4, मतलब RH2 अपॉन RO2 हो गया 4, RH2 अपॉन RO2 इक्वल्स टू 4 आ गया, मतलब RH2 जो है 4 टाइम्स ऑफ RO2 है, मतलब अगर RO2 एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये 4 मॉलिक्यूल निकलेगा, तो बोल रहा है ये अगर आधा निकलेगा तो ये कितना निकलेगा, अगर ये एक निकल रहा है तो ये 1/4 निकलेगा, क्योंकि ये इससे 4 टाइम्स ज़्यादा निकल रहा है, मतलब RO2 अगर एक निकलेगा तो ये 4 निकलेगा, मतलब ये 4 तो ये 1, अगर 4H2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, 4 मोल H2 निकल रहा है तो O2 कितना निकलेगा, 1 मोल O2 निकलेगा, इससे पता चल रहा है हमें, क्योंकि RH2 जो है 4 टाइम्स ऑफ RO2 है, तो ये 4H2 निकलेगा तो ये 1 O2 निकलेगा, ये अगर H2 1 निकलेगा तो ये 1/4 मोल निकलेगा, यहाँ मोल लिया तो यहाँ भी मोल ले लेते हैं, अब ये क्या है आधा, अगर ये हाफ निकलेगा तो ये किस फ्रैक्शन से निकलेगा, 1/4 इंटू 1/2 से निकलेगा, तो ये किस फ्रैक्शन से हो गया, 1/8, अगर अब हम ऑप्शन चेक करें तो 1/8 हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इफ़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी, रेट ऑफ नाइट्रेशन, तो जब हम लोग बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो लेते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो HNO3 का अगर स्ट्रक्चर चेक करें तो इस तरह से होता है HNO3। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है H2SO4 H+ HSO4-। अब ये H+ क्या करता है, इसके लोन पेयर पे अटैक करके यहाँ से H2O को बाहर निकालता है और NO2+ बनता है, फिर NO2+ क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है और नाइट्रेशन होता है फिर। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर KHSO4- डाल देंगे तो HSO4- आयन का कंसनट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज कर जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब H+ आयन का कंसनट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब H+ आयन का कंसनट्रेशन डिक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बन रहा है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो मतलब नाइट्रेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फास्टर नहीं होगा, सेकंड है स्लोअर, हाँ डिक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नाइट्रेशन का डिक्रीज कर जाएगा, मतलब स्लोअर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो रिपल्सन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो अभी हमने स्टार्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, लोन पेयर रिपल्सन जो है सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर का होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो अब हम ऑप्शन चेक करें तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑब्टेंड एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 का अगर नाइट्रोजन के साथ इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये CaCN2 बनाता है। ये CaCN2 क्या है, नाइट्रोजन, अब CaCN2 अगर ऑप्शन में चेक करें तो एक ही ऑप्शन नहीं है, तो CaCN2 प्लस कार्बन बनाता है। ठीक है, तो CaCN2 हमारा एक भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बोनस वाला क्वेश्चन है, इसका एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो CaCN3, वो 3 के बदला 2 होना चाहिए, तो 3 लगा सकते हैं, लेकिन ये बोनस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो 4 ऑप्शन है, 1 ΔG के फॉर्म में है और 3
एल एन पी के फॉर्म में, एक एल एन जी के फॉर्म में, एक एल एन पी के फॉर्म में, तो पी वाला ही हम लोग देखते हैं। तो अरहेनियस इक्वेशन जो आया था उसी से हम लोग देखते हैं। अरहेनियस इक्वेशन यहाँ से आया था के एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी, तो पहले क्या किया था पी एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी, तो फिर इसे एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करने के लिए जेड से मल्टीप्लाई किया था और पी इंटू जेड को हमने ए लिखा था। तो के इक्वल्स टू पी एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी, यहाँ पे ई ए के बदले डेल्टा एच है तो हम लोग डेल्टा एच में पुट कर लेते हैं, डेल्टा एच बाय आर टी, ठीक है। के इक्वल्स टू पी एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय आर टी। अब हमें क्या लाना है, एल एन पी के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो दोनों तरफ एल एन ले लेते हैं, एल एन के इक्वल्स टू आ जाएगा एल एन पी, एल एन और एक्सपोनेंशियल जब दोनों आता है तो हम लोग दोनों को हटा देते हैं, माइनस डेल्टा एच बाय आर टी आ जाएगा। अब एल एन पी हमें एक साइड चाहिए तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो एल एन पी हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं प्लस ये इधर ही बच जाएगा, एल एन के प्लस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब दोनों तरफ क्या है, डी बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट किया है, तो डी बाई डी टी कैपिटल टी के साथ किया है, एल एन पी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्या है एल एन के कॉन्स्टेंट था इसीलिए टी के रिस्पेक्ट में इसे अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये जीरो आ जाएगा, प्लस डेल्टा एच अपॉन आर वन बाय टी, दैट इज़ टी का पावर माइनस वन, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टी का पावर टू हो जाएगा, टी का पावर माइनस टू हो जाएगा, टी का पावर माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी के साथ तो ये आ जाएगा टी का पावर माइनस वन, करेंगे माइनस वन माइनस टू मतलब वन बाई टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा। चेक करते हैं ये अगर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर जी से चेक करेंगे। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यही है, डी एल एन पी बाई डी टी डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कंपाउंड्स गिवेन इन कॉलम वन विथ द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप गिवेन इन कॉलम टू एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब कॉलम वन में जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है एक्स ई एफ सिक्स दिया हुआ है, एक्स ई एफ सिक्स, एक्स ई एफ सिक्स जेनन के पास एट इलेक्ट्रॉन है, सिक्स बॉन्ड बनाया है, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए सिक्स और लोन पेयर वन, तो सिक्स बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर है, तो सिक्स के साथ क्या होना चाहिए हमारा ऑक्टाहेड्रल और एक लोन पेयर, मतलब साथ है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल बना था, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल एक लोन पेयर है तो पेंटागोनल पिरामिडल, लेकिन हमारा सेकंड वाले में चेक करें तो पेंटागोनल पिरामिडल वाला एक भी ऑप्शन नहीं है, हमारे पास डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है तो हम लोग इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल में रख सकते हैं, मतलब ए का जो है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल जो कि सेकेंड कॉलम का फर्स्ट है, ए का वन ही आएगा, सिक्स बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर क्या आ जाएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब हमारा सेकेंड कंपाउंड है एक्स ई ओ थ्री, एक्स ई ओ थ्री मतलब बॉन्ड पेयर आ गया हमारे पास थ्री एंड लोन पेयर आ गया वन, क्योंकि ऑक्सीजन है दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा छः और दो इलेक्ट्रॉन बचेगा मतलब लोन पेयर वन, तो तीन एक चार के लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए लेकिन एक लोन पेयर है तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पिरामिडल होगा, और पिरामिडल अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन थ्री है इसलिए बी का थ्री होगा। अब सी को चेक करते हैं, सी में हमारा कंपाउंड है एक्स ई ओ एफ फोर, तो एक्स ई ओ एफ फोर का अगर चेक करें जेनन के पास एट इलेक्ट्रॉन थे, दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया चार फ्लोरीन के साथ, एक लोन पेयर बचा और बॉन्ड पेयर पाँच हो गए, बॉन्ड पेयर फाइव हो गया और लोन पेयर वन हो गया, तो पाँच एक छः ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए लेकिन हमारा अगर चेक करें तो ये ऑक्टाहेड्रल तो होगा नहीं, एक लोन पेयर है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, मतलब चार एक प्लेन में होगा एक ऊपर एक नीचे और एक के बदले हम लोग क्या रखेंगे लोन पेयर एक्सेल पोजीशन पे, तो ये क्या बना लेगा स्क्वायर पिरामिडल जो कि अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो फोर्थ है, तो सी का क्या आ जाएगा फोर। अब डी को चेक करते हैं, डी में जो हमारा कंपाउंड है एक्स ई एफ फोर है, तो एक्स ई एफ फोर मतलब बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास चार, अब चार बॉन्ड बनाया चार इलेक्ट्रॉन बचा मतलब लोन पेयर हो गया दो, तो चार दो छः ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए लेकिन दो लोन पेयर है ऊपर नीचे लोन पेयर आएगा और चार बॉन्ड पेयर मतलब इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर अगर चेक करें तो ये हमारा है ऑप्शन टू मतलब डी का टू आ जाएगा। अब ये मैच करें तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है इसीलिए हमारा ऑप्शन वन ही करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सी ओ बॉन्ड लेंथ, और दिया हुआ है फ्री सी ओ बॉन्ड लेंथ इन सी ओ इज 1.28 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि पहला है एन आई सी ओ हॉल फोर,
ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में निकल का चार्ज देखें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सेकंड है CO होल फोर माइनस, CO होल फोर माइनस, इसका जीरो है फिर से, तो कोबाल्ट का क्या आ जाएगा चार्ज, माइनस वन। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास FeCO होल फोर टू माइनस, FeCO होल फोर टू माइनस, इसमें अगर Fe का देखें चार्ज तो माइनस टू आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास MnCO होल सिक्स प्लस, MnCO होल सिक्स प्लस, तो Mn पे चार्ज इसमें आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं Fe पे नेगेटिव में चार्ज माइनस टू है, और माइनस में अगर चार्ज बढ़ता है मेटल पे तो उसके कार्बोनाइल का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रिपल्सन होगा मेटल पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण। इसीलिए CO बॉन्ड लेंथ क्या होगा, Fe में सबसे ज़्यादा होगा, FeCO होल फोर टू माइनस में। तो हम ऑप्शन चेक करें, FeCO होल फोर टू माइनस, ये हमारा ऑप्शन थ्री था, एंड देयरफॉर ऑप्शन थ्री विल बी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड इज जीरो इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन एज। हमें पता है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, हाइड्रोजन रिड्यूस इस तरह से होता है 2H+, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बनाएगा H2 गैस। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्या करना है, जीरो, मतलब E का वैल्यू क्या करना है, जीरो, और E नॉट का भी वैल्यू जीरो होता है 298 केल्विन पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। N का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, टू होगा। ठीक है, तो हमें पता है और प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी चाहिए, ये कितना होता है 10^-7 मोलर। प्योर वाटर में H+ आयन का कंसंट्रेशन यही होता है, इसीलिए Kw का वैल्यू 10^-14 होता है, क्योंकि H+ और OH- प्योर वाटर का बराबर होता है एट 298 केल्विन, इसीलिए 10^-14 आता है ये। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 10^-7 मोलर होगा। अब हमें पता है E इक्वल्स टू होगा E0-0.0591/2 log बेस 10 H2 गैस है, इसीलिए इसका प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H+ का कंसंट्रेशन लेना होगा और इसे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब E का वैल्यू क्या करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है जीरो, और E नॉट का वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पोटेंशियल क्या होता है, हाइड्रोजन का जीरो, तो हमने रिडक्शन लिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो होता है, ऑक्सीडेशन लेते तो भी सेम आंसर ही आता है, जीरो ही होता है ये E नॉट का वैल्यू, -0.0591/2 log बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 हमें कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमें गिवन है 10^-7, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 10^-7 का स्क्वायर। अब सारे को इधर करें तो ये जीरो आ जाएगा, तो 0.0591/2 log बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10^-14 कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसको उस साइड कर लें तो log बेस 10 प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10^-14 इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो। अब log जीरो, सॉरी, log में जीरो वैल्यू आता है log 1 का, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं फिर log बेस 10 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन 10^-14 आया इक्वल्स टू log 1 बेस 10 में। ठीक है, तो अब ये दोनों तरफ लॉग है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसे, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन 10^-14 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा 10^-14 atm। अब हम ऑप्शन चेक करें, 10^-14 atm है, हाँ ऑप्शन फर्स्ट ही है, देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटी। जब किसी रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है, पाथ ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ऑप्शन क्या चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, एंथैल्पी चेंज नहीं होता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, इसलिए ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनिक रेडियस ऑफ A+ एंड B- आयन्स आर दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ABH। ठीक है,
तो द आयनिक रेडियस ए प्लस और ए माइनस, तो आर प्लस अपॉन आर माइनस निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, आर प्लस का वैल्यू ए प्लस के लिए क्या दिया है 0.98 इंटू 10^-10 डिवाइडेड बाय 1.81 इंटू 10^-10 मीटर में है दोनों, ठीक है। ये कैंसिल ही हो जाएगा, इसे सॉल्व करें तो ये 2 से थोड़ा सा कम ही आएगा, तो 1/2 मतलब 0.5 के अप्रोक्स आएगा। और R प्लस और R माइनस का रेशियो अगर 0.5 के अप्रोक्स हो तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो 6 वाला चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड। हमारे पास एसिड दिया हुआ है 2, फॉस्फिनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड, उसमें के लिए देखना है। तो फॉस्फिनिक एसिड होता है हमारा H3PO2, फॉस्फिनिक एसिड होता है H3PO2, और फॉस्फोनिक एसिड इसी के लिए देखना है, ये होता है H3PO3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फॉस्फिनिक एसिड इज ए डाइप्रोटिक एसिड वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक एसिड। तो चेक कर लेते हैं, ये हम लोग स्ट्रक्चर से चेक करते हैं, H3PO2 है तो एक ओ एच 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 ओ एच, तो इसमें क्या होता है, जो एच ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ होता है वही रिमूव हो पाता है। तो ये इसमें कितने एच ऑक्सीजन के साथ है, एक, तो ये क्या होगा मोनोप्रोटिक एसिड, H3PO2 क्या होगा मोनोप्रोटिक। अब PO3 को चेक करते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है H3PO3। अब इसमें दो एच क्या है ऑक्सीजन के साथ है, तो ये क्या होगा डाइप्रोटिक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, फॉस्फिनिक एसिड इज डाइप्रोटिक, नहीं ये मोनोप्रोटिक है, तो गलत, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड है, फॉस्फिनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक, एकदम सही है, एंड वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज डाइप्रोटिक, और फॉस्फोनिक एसिड क्या है डाइप्रोटिक, तो ये दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, बोथ आर ट्राइप्रोटिक, एकदम रॉन्ग है। फोर्थ है, बोथ आर डाइप्रोटिक, एकदम रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन 2 ही क्या होगा करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉग इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, फॉग जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है लिक्विड इन गैस का। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विड इन गैस, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फॉग इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। सेकंड ऑप्शन है गैस इन लिक्विड, एकदम गलत है, सॉलिड इन गैस एकदम गलत है, गैस इन गैस ये भी गलत है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन इज करेक्ट, कौन सा सही है, ठीक है। एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एट 25°C, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है 25°C, ठीक है। गिवन वेपर प्रेशर डाटा एट 25°C, वेपर प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है बेंजीन के लिए, तो बेंजीन को हम लोग मान लेते हैं, बेंजीन के लिए को बेंजीन ए है, और जो टोलिन है इसे मान लिया बी है, ठीक है। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर हमने मान लिया पी ए नॉट, ये दिया हुआ है बेंजीन के लिए 12.8 किलो पास्कल, ठीक है। और टोलिन के लिए पी बी नॉट ये मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है 3.85 किलो पास्कल, ठीक है, पी ए नॉट पी बी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। अब वेपर फेज में पी ए क्या होगा, पी ए का फॉर्मूला हमने पता है पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट गिवेन है और एक्स ए और एक्स बी की रिक्वायरमेंट है हमें। अब दोनों का मोलर रेशियो क्या है दिया है क्वेश्चन में, सेम है, जब मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1/2, और बी का भी होगा 1/2, क्योंकि मोल सेम है, तो अगर ए का मोल और बी का मोल सेम है तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए एन बी बराबर है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन ए दैट इज़ 2NA, तो ये 1/2, ये अगर 1/2 होगा तो ये भी 1/2। तो यहाँ से वेपर फेज में इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, पी ए नॉट का वैल्यू गिवन है 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 किलो पास्कल, विच इज इक्वल टू 6.4 किलो पास्कल, ठीक है। अब सेकेंड वेपर फेज में टोलिन का क्या होगा वेपर प्रेशर वो देख लेते हैं, एक्स बी हो जाएगा 3 PA PB0 इंटू एक्स बी, और पी बी नॉट का वैल्यू गिवेन है 3.85 इंटू एक्स बी का वैल्यू गिवेन है 1/2, तो 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 5 = 1.925, मतलब वेपर प्रेशर इसका आ जाएगा
ये और इसका आ जाएगा ये। अब वेपर फेज में देखा इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एक का बेंजीन का, मतलब बेंजीन ज़्यादा होगा वेपर फेज में एज कम्पेयर टू टॉलिन। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, एकदम सही है, इसका वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इससे मतलब बेंजीन क्या होगा वेपर फेज में ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड फोर्थ को भी चेक करते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टॉलिन, ये जस्ट उल्टा दिया है, ये गलत है। थर्ड है द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, ये भी गलत होगा क्योंकि हम चेक करें यहाँ से दोनों आ रहा है, ठीक है, दोनों डिफरेंट आ रहा है। फोर्थ है नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन इज गिवेन टू मेक प्रेडिक्शन, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज। अब इथेन है, दो कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन है। अब अगर इसका हम लोग स्टेगर्ड फॉर्म देखें, एक डॉट ले लिया, एक बॉल ले लिया, डॉट कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन एंड बॉल वाले कार्बन के साथ भी थ्री हाइड्रोजन्स होंगे, इसका थ्री हाइड्रोजन। अब ये स्टेगर्ड फॉर्म है तो स्टेगर्ड फॉर्म में सारे एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो कंपेरिजन के लिए हमने इसे ए और इसे बी दे दिया, तो आपस में ये क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, इसीलिए इसका जो टॉर्शनल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन जब हम लोग एक्लिप्स्ड की बात करेंगे, एक डॉट कार्बन और एक बॉल कार्बन, डॉट वाले के साथ तीन हाइड्रोजन एंड बॉल वाले कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन, वन टू एंड थ्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ए और बी ये दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे, जीरो एंगल पे होंगे। तो जब जीरो एंगल पे होगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेगर्ड से बहुत कम होगी। मतलब एक्लिप्स्ड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, एंड स्टेगर्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल इन केस ऑफ इथेन। लेकिन अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में एक और केस हम लोग डिस्कस करते हैं, गॉस। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड का केस आएगा तो गॉस की स्टेबिलिटी स्टेगर्ड से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम लोग सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, एकदम गलत है। अभी हमने बोला स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी एक्लिप्स्ड से ज़्यादा होती है, इसने लेस बोला, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड देखते हैं, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड, ये भी एक्लिप्स्ड की जस्ट सेम ही स्टेटमेंट रिवर्स करके डाला है, एक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी स्टेगर्ड से ज़्यादा होती है, गलत होगा क्योंकि अभी हमने देखा था टॉर्शनल स्ट्रेन एक्लिप्स्ड में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, द एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड, ये भी जस्ट सेम है, ये भी क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा। अब फोर्थ चेक करते हैं, द स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, ये एकदम सही है देन एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बिकॉज स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन, इसमें क्या होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा, इसलिए इसका टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होगा, जीरो के ऑलमोस्ट होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन फोर सही होगा, ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन गिवन है कैन बी क्लासिफाइड एज, इस रिएक्शन का नाम पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल दिया हुआ है NaH के साथ, ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाया है। फिर उसमें अल्काइल आयोडाइड डाले हैं, मिथाइल आयोडाइड डाले हैं, तो ये ईथर बनाया है। तो ये रिएक्शन जो है नेम्ड रिएक्शन है, 12th का ईथर चैप्टर का है। इस रिएक्शन का जो नेम है वो है विलियमसंस रिएक्शन, और इससे हम लोग ईथर का सिंथेसिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं विलियमसंस ईथर सिंथेसिस। तो अब हमारा ये ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ ए प्राइमरी एमाइन इज, ठीक है। तो एल्डिहाइड हम एक सिंपल सा एल्डिहाइड ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी एमाइन के साथ, तो प्राइमरी एमाइन क्या होता है, NH2 R-, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम लोग NH2 वाले ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है, ये दो H, ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है, H2O बाहर निकल जाता है और ये हो जाता है RCH डबल बॉन्ड NR-, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्किफ बेस।
इसे हम लोग एस्केप बेस बोलते हैं। अब हम लोग अगर ऑप्शन देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है एस्केप बेस एंड दस ऑप्शन वन विल बी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। बायफिनाइल के केस में हमें पता है जब दो फिनाइल एक साथ आते हैं तो वो क्या होता है 45 डिग्री एंगल से टर्न हो जाता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है उसमें स्ट्रेन के कारण ये क्या होता है 45 एंगल से टर्न हो जाता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो इसमें क्या होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग चारों ऑप्शन देखें तो ऑप्शन टू में जो है ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि अब जो ये दोनों बेंजीन रिंग है ये क्या होंगे आपस में 45 एंगल पे होंगे, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा एंड दस ऑप्शन टू विल बी करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारे पास ए बी सी तीन रिएक्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, चार ऑप्शन गिवन है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो पहले रिएक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। पहला जो रिएक्शन है ए, इसमें क्या दिया हुआ है ब्रोमाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड के ओ एच डाले तो अल्किन बन गया, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। फर्स्ट क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमाइड में एल्कोहलिक के ओ एच डालते हैं तो एलिमिनेशन होकर अल्किन बनाता है। इसमें एल्कोहलिक एक्वस कुछ नहीं डाला है लेकिन अल्किन बनाया है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर एक्वस से अल्कोहल बना देता, अगर एक्वस एल्कोहलिक कुछ नहीं देता, अगर अल्कोहल बनाता तो ये सब्स्टिट्यूशन होता, लेकिन अल्किन बनाया मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब बी वाला जो रिएक्शन है उसमें अल्काइल ब्रोमाइड है के ओ एच डाला और अल्कोहल बना लिया, फिर वही वाला दिया के ओ एच, मतलब एक्वस के ओ एच के साथ क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, और इसमें एक्वस एल्कोहलिक कुछ नहीं डाला है लेकिन अल्कोहल बना दिया है, इसीलिए ये क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो बी जो है हमारा क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सी चेक कर लेते हैं। सी में है हमारे पास एक साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, उसमें बी आर टू से रिएक्शन किया तो बी आर एड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया एडिशन रिएक्शन। एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि बी आर टू का सीधे सीधे एडिशन होता है ब्रोमियम आयन बना के, तो डबल बॉन्ड रिमूव हो जाता है, तो सी वाला क्या है एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट है ए एंड बी आर एलिमिनेशन रिएक्शन, सी इज एडिशन। ए एंड बी एलिमिनेशन नहीं है, ए एलिमिनेशन है, बी सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकेंड चेक करते हैं, ए इज एलिमिनेशन सही है, बी इज सब्स्टिट्यूशन बी सही है, सी इज एडिशन ये भी सही है, तीनों सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन टू करेक्ट होगा। अब थ्री और फोर को भी चेक कर लेते हैं। थ्री में दे रखा है ए इज एलिमिनेशन सही है, बी एंड सी आर सब्स्टिट्यूशन, बी सब्स्टिट्यूशन है सी एडिशन है, इसीलिए गलत होगा। फोर्थ है ए इज सब्स्टिट्यूशन, यहीं पर गलत हो गया, ए एलिमिनेशन है, तो हमारा ऑप्शन टू ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 केजी सॉरी ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mm। ठीक है, के वी 0.52 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। ठीक है, हमारे पास दे दिया है क्वेश्चन में टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाटा दे रखा है, क्या क्या दे रखा है सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी मान लेते हैं 6.5 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए मान लेते हैं, वाटर दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो वेपर प्रेशर दे रखा है कितना दे रखा है, ये 732 mm दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन का, इसके बाद हमारे पास के वी का वैल्यू दे रखा है 0.52 और पूछा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टी बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें पता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू क्या होता है एक्स बी। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट एक्स बी के इक्वल होता है, तो डेल्टा पी होता है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, पी ए नॉट का वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है
नहीं दे रखा है टेम्परेचर 100 डिग्री, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पी ए नॉट का वैल्यू क्या होता है 180 mm होता है, मतलब 760 mm होता है, माइनस पी एस दे रखा है 732 डिवाइडेड बाय पी ए नॉट 760 इक्वल्स टू एन बी क्या दे रखा है 6.5। अब इसका मॉलिकुलर मास हमें नहीं पता है तो डिवाइडेड बाय एम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब ये एन बी जो है एन ए के कंपेरिजन में बहुत कम होता है इसीलिए हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एन ए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है 100 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 8 5 में से 3 2 28 अपॉन 760 इक्वल्स टू 6.5 अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय 18 बाय 100। अब यहाँ से हम लोग मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेंगे तो एम इक्वल्स टू आ जाएगा 6.5 इंटू 18 बाय 100, ये ऊपर जाएगा तो 760 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 28। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व किए तो आया 31.75 ग्राम पर मोल, मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट जो था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो डेल्टा टी बी हमें पता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू होता है के बी इंटू एम। अब दोनों केस में हमने आई फैक्टर को काउंट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा है कि आयनिक है या कोवेलेंट है, इसलिए हम डायरेक्ट के बी इंटू एम से सॉल्व करते हैं। के बी का वैल्यू दे रखा है 0.52 एंड मोलिलिटी कैलकुलेट करना है तो मोलिलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 6.5 अपॉन मोलिकुलर मास 31.75 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम दे रखा है अपॉन 1000, यही हो जाएगा मोलल। अब इसे सॉल्व करें तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.06 केल्विन, ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 1.06 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब हमें डेल्टा टी वी, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देखें इसका तो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कितना एलिवेशन होगा 1.06 डिग्री से एलिवेशन होगा तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा 101.06 केल्विन, या डिग्री सेंटीग्रेड लिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेक करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 101, इसीलिए ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए एज, आरएनए होता है रिबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए होता है डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड, तो चेक करते हैं अब सारे ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन है द सुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज एराबिनोस, ये तो यहीं पे गलत हो गया, एराबिनोस नहीं होता है रिबोस होता है, फर्स्ट सही नहीं होगा। सेकेंड चेक करते हैं द सुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज रिबोस, सही है, एंड द सुगर कंपोनेंट इन डीएनए इज 2-deoxyribose, ये भी एकदम सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 को भी चेक करते हैं सुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज एराबिनोस, ये फिर से गलत है। फोर्थ द सुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज 2-deoxyribose, ये तो सरासर गलत है क्योंकि ये डीएनए होता है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही क्या होगा करेक्ट होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एराइल एमाइन एज, हम देखते हैं एराइल एमाइन के बारे में, तो एराइल एमाइन क्या होता है इस तरह से होता है बेंजीन रिंग है इसके साथ NH2 ग्रुप। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, जिसके कारण क्या होगा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है डिक्रीज कर जाती है एंड दस बेसिसिटी क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एराइल एमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल एमाइन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड बाय इंट्रैक्शन विथ द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एकदम सही है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगा डिलोकलाइजेशन के कारण, लेकिन अल्काइल एमाइन में कोई रेजोनेंस नहीं होगा उसमें बेसिसिटी डिक्रीज नहीं करेगा ड्यू टू डिलोकलाइजेशन, इसीलिए इसकी बेसिसिटी अल्काइल एमाइन से कम होगी, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 है एराइल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल एमाइन, जस्ट रिवर्स है उसका इसलिए ये गलत होगा। थर्ड है एराइल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल एमाइंस बिकॉज ऑफ एराइल ग्रुप्स, ये भी
गलत ही होगा क्योंकि लेस बेसिक होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। फोर्थ है एराइल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल एमाइंस, फिर सेम ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन वन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन गिवेन बिलो इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज ये तीनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। सुक्रोज रिड्यूस नहीं करता है इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन फोर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवेन कार्ब एनायन। कार्ब एनायन हमारे पास दिया हुआ है CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, माइनस है मतलब इसके पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है। इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा क्योंकि इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, दो है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो sp में और दो क्या होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, sp दो ऑर्बिटल होंगे, एक क्या कर रहा है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक में क्या होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट में होगा। तो sp है, हाँ ऑप्शन फोर में है एंड दस ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट।